के शर्मा इस देश की महिलाओं के लिए उनकी अस्मिता से जुड़ा है, उनके गौरव से जुड़ा है मंगलसूत्र। और ये हम कहां आ गए 2024 में कि हमने मंगलसूत्र को चुनावी छिछाले दर में घसीट दिया। हलवा है हमारा है। मस्त जोक मारा रे, यहां से हलकट हट। मंगलसूत्र पर डिबेट हो रही है, इस चुनावी राजनीति पर हमें आना पड़ा क्योंकि विकास पीछे छूट गया, विकास फुस हो गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। व्यवस्था की बात करते हैं, आप सरकार है, आप सरकार है। अगर मंगलसूत्र पर बात आपने उठा दी मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखकर, मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं ये पूछती हूँ आपसे, आप किसानों पर मैनिफेस्टो से लेकर आए आप मंगलसूत्र उठाकर, उसी मैनिफेस्टो में खामोशी चुप्पी है किसानी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है बेरोजगारी पर, बोलो, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है मजदूरी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है जितनी समस्याएं इस देश में कि मोटे इश्यूज से परे हैं, उस पर आप खामोश हैं। 10 साल सरकार चलाने वाली सत्ता कैसे खामोश है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? गरिमा जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बीजेपी की मैनिफेस्टो पर एक दिन अलग से डिबेट रख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैनिफेस्टो में हमने क्या क्या कहा है, किसानी पर हमने क्या कहा है। डिबेट कीजिए आप। हमने तो आदर्श रक्षा की बात की, हमने मत्स्य को जो है कृषि का दर्जा दिया, हमने गरीबी बेरोजगारी सबकी बात की उसके अंदर। पीछे भाई, अरे 1,000-2,000 करोड़ मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेतर। हमने हर रोज 30 किसान मरते हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चर्चा क्यों नहीं की आपने? आप एमएसपी पर बात क्यों नहीं करते? नहीं तो मुझे क्यों नहीं कर रहे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो? सर्वे सही है वो सर्वे करो। इसके मुझे बात पूरी करने दीजिए। यही लोग आप जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मैं इतना तो मान सकती हूँ, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं जी, मान सकती ना। और बीजेपी चुनावी वोट बैंक की फिक्र नहीं करती, ये भी मान लूं क्या मैं? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम तो दे रहे हैं, हम तो किसानों को सहायता राशि भी दे रहे हैं, और उसके बाद उचित मूल्य भी दे रहे हैं। जो भी है मैं ये कह रहा हूँ, क्या इसके पहले कभी नहीं रहा? हम तो घटा के ला रहे हैं, हम तो समाधान दे रहे हैं। नहीं, घटा नहीं। क्या बात है, गुड शॉट। ये आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, मान लू सही बात है। 30 किसान हर रोज मरते हैं, उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र, जो बेरोजगार युवा इस देश में घूम रहा है, जिनमें से 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 8 साल में नौकरी मिली मात्र 7 लाख को, और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मौजूदगी में एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई उसमें 83% बेरोजगारी करवा के तसल्ली हो गई। मुझे 2-3 चीजें बता सकते हैं जो है आपातकाल इमरजेंसी में। एक मिनट, जितने लोगों की नसबंदी इन्होंने जबरदस्ती की उस समय, ये इनका इतिहास, इनका पाप होता है। इमरजेंसी की बात करूंगी के शर्मा, ना नोटबंदी की बात भी नहीं करूंगी। रेस्ट इश्योर्ड, मैं नोटबंदी की बात नहीं करूंगी, ना मैं इमरजेंसी की बात करूंगी, मैं 24 के मुद्दों की बात करूंगी। मुझे लहरा दिया, मुझे ये बताइए कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी, ये 24 के मुद्दे नहीं है क्या मैडम? एक सेकंड सुन लीजिए ना, मुझे 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिए। क्यों कहा कि हम बेल्ट सर्वे करेंगे? नहीं, मुझे ये कह रहा हूं, ये मुद्दे नहीं है, जवाब दे दीजिए। मुद्दे नहीं है ये, बेल्ट सर्वे करना। पेट्रोल डीजल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटने के बावजूद हमारे देश में 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है? नहीं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लगातार समाधान करते जा रहे हैं और नई नई योजना लेकर किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं। ऐसा है गर्मा जी, विषय ये है, और जिम्मेदारी से आप जानते हैं, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं इस देश के एक किसान पर 1,35,000 का कर्ज है, करवाली बेइज्जती। देखिए मैं बिल्कुल आपको एक चीज कहता हूँ, आप तमाम आंकड़े गिनाइए, गिनाना भी चाहिए आपको। आप तो एक दिन सर्वे रिपोर्ट भी लेके बैठी थी, 3% मंगाई, इतना परसेंट मंगाई, इतना परसेंट ये बेरोजगारी है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपने एक सर्वे की तो जिक्र किया कि इतना परसेंट मंगाई, इतना परसेंट जो है बेरोजगारी, इतना परसेंट, लेकिन उस सर्वे का उसी का जिक्र नहीं किया जो हमें 350 सीट से ऊपर जिता रही है। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। 25 सिफारिशें आपके वक्त में लागू हुई, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि अगर कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो बीजेपी को सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी 30 किसानों की आत्महत्या पर चुप रहेंगे। किस गजब बेइज्जती है। विकास की तो बात जमीन पर है, विकास जो 5 साल में हुआ है जनता उसको जानती है, लेकिन इस यहां तक इस डिबेट को लाया किसने है? क्यों आप किसी की संपत्ति झांकना चाहते हैं? वाह, ये आए, हमदर्दी जता रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। उनके वर्ड ये है कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो राहुल गांधी की नासमझी का परिणाम है। प्रश्न आपने किया मंगलसूत्र का, तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप एहसान जता रहे हैं।
इतने लोगों ने शहादत दी, आतंक की घटनाओं में कितने लोग मारे गए इस देश के। बहुत बुरा हुआ दया, बहुत बुरा हुआ। मतलब आ गए ना इमोशन। लेकिन केके शर्मा, मेरा सवाल ये है कि जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप सरकार हैं। इज्जत की वार्ड लगा डाली इसने। लेकिन वो इकलौते हो क्या देश को ऐसा? बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। Let me up with a price, my love.